Hello guys, welcome to Girls Republic Live on ARY Musik. This is Becks. Hope you guys are doing well. Hopefully your day is going great because mine is so far and it's Thursday. As you guys know, hamara last day hota hai ki hum week mein last day Thursday ko live show karte hain. Lekin Monday to Thursday we are live 4 o'clock sharp. Aur aap logo maine jitna kal bhi announce kiya tha aur last week hamare sath jo hai Mustafa Ilahi aaye the, junior neurologist hain. Koi bhi agar feedback ho hamare page pe drop kare, which is Becks. Koi bhi question ho, all you have to do is call kare. Agar call nahi mil rahi, in case agar call nahi mil rahi, kyunki mostly होता है लोगों को क्वेश्चंस पूछने होते हैं और कॉल थ्रू नहीं हो रही होती. सो व्हाट यू हैव टू डू इज डेट ऑफ बर्थ अपनी मेरे पेज पे ड्रॉप करें और अपना फुल नेम, क्योंकि हमें यही दी डेट है. इफ यू वांट टू नो एनीथिंग रिगार्डिंग योर फ्यूचर एनीथिंग लाइक दैट. और आपको पता है कि मुझे जिस तरह के होता है ना कि सरप्राइजेस का मुझे समटाइम्स बहुत ही शौक होता है. मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि बैग्स हमें अब मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर इतने हैं नहीं, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो तो आपको पता है शी लिव्स इन यूके, तो वो मुझे कहती है कि हाँ हम लोग इस तरह सरप्राइजेस प्लान कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे को बर्थडे पे कोई गिफ्ट करेंगे या कुछ वेडिंग हो गया या फिर कोई भी कोई ऐसी स्पेशल ओकेजन की कोई गुड न्यूज़ होती है तो हम उनको सरप्राइज करते हैं कोई भी प्रेजेंट लेके जाके. बट एनीवेज आज हमारे आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग ऑन द शो टुडे कोई ऐसा सरप्राइज है जो मैं आपको लास्ट मिनट में दूंगी, अभी नहीं बताऊंगी. सो डोंट बी लाइक ओके हाँ बैग्स अभी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे. अभी तो आप हमें कॉल करें और अभी हम बात करेंगे मुस्तफा इलाही से. थैंक यू सो मच आज फिर से आप हमारे शो पर आए. थैंक यू वेरी मच. कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? मैं तो ठीक हूँ, बस हफ्ता अच्छा गुजरा है बहुत मेरा. आपका कैसे गुजरा? नहीं अच्छा गुजरा बिल्कुल. सही ये होता है ना कि हमें हम दुआ करते हैं कि हमारा दिन अच्छा गुजरे. हम जब भी सुबह उठते हैं ना हमें पहले तो ये थैंकफुल होना चाहिए कि हमारा जो दिन अच्छा गुजरे और सारी चीज़ें, बिकॉज ऑब्वियसली हम कभी कभार ना ग्रैटिट्यूड हमारा जो होता है ना हम ग्रेटफुल नहीं होते कि हमारे पास सब कुछ चीज़ें होती हैं. हम फिर बोलते हैं हमारे पास ये चीज़ मिसिंग है, तो हमारे में ये होना चाहिए ना हमें वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. कोई भी अगर गुड एंड बैड जो भी लाइफ में बुरा वक्त है या अच्छा वक्त है, यू नो हर टाइम एक जैसे नहीं रहता obviously. But anyways, आज हम न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे कोई भी आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है आप कर सकते हैं हाँ हमारे कॉल करके. एनीवेज हमारे पास कॉल है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मरियम. आज हमारे साथ मुस्तफ़ा हैं. कुछ क्वेश्चन आज कोई डिफरेंट पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे याद है आपने लास्ट टाइम भी कॉल की थी और आपने करियर के रिलेटेड पूछा था. जी बहुत कुछ पता लग गया था उसके. अच्छा बहुत कुछ पता चल गया था जी. अच्छा तो फिर आज क्या पूछना चाहोगी? आज मैंने पूछना है कल मेरा रिजल्ट है वो कैसा आएगा. रिजल्ट? ठीक है. अच्छा अच्छा सुने सुने मेरे यहाँ पे चैनल नहीं आ रहा तो मैं कॉल पे हूँ, मुझे तब बता सकते हैं अभी? अच्छा सही, फिर आप कॉल पे रहो मरियम, हम कॉल पे चैनल नहीं आ रहा. चैनल नहीं आ रहा, सवाल क्या इनका? सवाल ये है कि इनका कल रिजल्ट आ रहा है तो कैसा होगा? ये क्या बात है कल रिजल्ट आ रहा है? अच्छा तो डेट ऑफ बर्थ ये तो कल पूछिएगा. नहीं एक्चुअली वो रिजल्ट के लिए फिर वो एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल दें और ये दें वो दें तो उसमें टाइम नहीं होता ना. हां तो 11th नवंबर पर्सनालिटी से मतलब. जी जी 11th नवंबर 2003 मतलब अप्रॉक्सीमेटली कोई नेगेटिविटी कोई बात नजर नहीं आती. ये बात हमने पहले भी की थी इनके नाम मदद नंबर में हाँ. क्योंकि टाइमिंग्स थोड़ी सी फेवर कर रही हैं. 2+0+1+7+2 जो इनका नाम है अल्फाबेटिकल नंबर है और जो हम अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे अरेबिक नेम और इंग्लिश और उर्दू नेम की उसके भी हवाले से बैलेंस टाइमिंग है इनकी मजमू. एग्जैक्टली तो इनके लिए पॉजिटिव कोई रिजल्ट हो पॉजिटिव है मरियम. सो गुड लक फॉर योर रिजल्ट जो तुम्हारे कल आने वाले. बाय द वे ये तो बताओ कि कॉल पर है या नहीं है? देखो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल देनी होती है, पेपर्स के बारे में बताना होता है, टाइमिंग्स के किस दिन क्या पेपर हुआ था. क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ होगी हम तभी तो उसको माइनस करके बता सकते हैं. लेकिन मजमूई तौर पर इनका जो नाम अदद नंबर है वो तो यही बताता है कि ठीक है टाइमिंग्स कम अज़ कम उनके अगेंस्ट टाइमिंग्स नहीं चल रही हैं. Exactly. ये हो सकता है कि अगर अच्छे नंबर ना आए तो कम अज कम बुरे भी नहीं आने. अच्छा तो सही है, आपने जिस तरह भी बात की अरबिक नेम के बारे में तो इसके बारे में यू नो किस तरह जिस तरह की अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर मेरा नेम जो है अरबिक नेम है कि क्या? देखो बख्तावर बात ये होती है कि असल हमारे नाम असल में तो अरबिक है. बख्तावर इंग्लिश तो होते नहीं ऑब्वियसली क्योंकि वी आर मुस्लिम. बेसिकली बख्तावर इज अरबिक नेम, मुस्तफा इज अरबिक नेम कन्वर्टेड बाय इंग्लिश MUSTAFA. Yeah. ये कन्वर्टेड बाय बख्तावर हम अरबिक से उसको इंग्लिश में करेंगे. इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इन न्यूमरोलॉजी के हमारे अरबिक नेम वो पूरा डिजिट अदद और नंबर हमारे डेस्टिनी नंबर से कम अज़ कम डिस्ट्रॉय या डिमोलिश नहीं होना चाहिए.
वो हमारा डेस्टिनी नंबर है, जो बर्थ नंबर होता है हमारा, जो हमारे इख्तियार में नहीं होता. बर्थ टाइमिंग किसी आने वाले के इख्तियार में थोड़ी होती है, लेकिन उसके बाद जब आप अपना नाम बनाते हो, उस नाम की स्पेल को जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हो इंग्लिश में, वो हमारे इख्तियार में होते हैं. जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे ऑफ एयर के, आपने कहा बैक, आप को आप निकनेम ऐसा आपका चल रहा है, इस बैक में भी लक मौजूद है. अच्छा, ये एक अजीब इत्तेफाक है सिंगिंग के भी हवाले से या एक्टिंग के हवाले से. हालांकि आप तो यहाँ पर वीजे हो और आपसे इसी हैसियत से अपनी मुलाकात हुई है, लेकिन उस नाम अदद नंबर में, उस डेस्टिनी में, शो बिजनेस और कलर की दुनिया में कामयाबी का मार्जिन मौजूद है, तो ये प्लस पॉइंट है. अच्छा, ये आपने जिस तरह लेटर की बात की है कि जिस तरह फॉर इंस्टेंस आपका एम है, मेरा बी है, तो इसमें क्या लेटर्स भी लकी होते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड मोनोग्राम नंबर. द फर्स्ट लेटर इज कॉल्ड मोनोग्राम नंबर. एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट हर इंसान के लिए ये इतना ज़रूरी होता है. एंट्रेंस है आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी कामयाबी नाकामी का, अच्छाई बुराई का, आपके अमीर और गरीब होने का, सेहतमंद और तंदुरुस्त होने का, कामयाबी का क्या मार्जन है, नाकामी का क्या मार्जन है, मैरिज, ट्रैवलिंग एंड सो ऑन. तो ये इसके बड़ी अहमियत है. अच्छा ठीक है, हमारे पास कॉल है, कॉल नहीं है. ओके, अभी हम जाएं गाइस ब्रेक की तरफ. डू नॉट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग गर्ल्स रिपब्लिक. Just outside the 95. Welcome back to the week, guys. You are watching Girls Republic. Today we have Mustafa Ilahi on the show with us. You can call us or leave your feedback on my Facebook page, which is Becks Khan. Koi bhi agar aapke paas question hai related to your whatever you want to know about your future, whether your studies, your marriage, your love affair, or anything of that sort, then obviously this is the place where you can call us. Aur jo abhi hum baat kar rahe hain ki, aur main bhi batati jaun jis tarah ke hota hai na ki hum baithe hue channel change kar rahe hote hain. So agar aap regular watch karte hain, regular dekhte hain, to aapko ye pata hoga ki surprise to hame bahut hi pasand hote hain, lekin hum aapke liye ek surprise jo hai on screen, kisi ko humne surprise dena hai jo ki hum last link mein denge, abhi nahi denge. So you guys need to like, you know, stay on this channel and don't like, you know, change the channel. So because I'm not going to like it agar aapne channel change kiya. But anyways, abhi hum baat karenge Mustafa se ki jis tarah ye hota hai na ki hum, let's just talk about jis tarah ke bachchon ke naam hote hain, theek hai. तो न्यूमरोलॉजी में तो ये होता है कि अगर आप ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि बच्चों के जो नाम होते हैं, जिस तरह न्यू बॉर्न बेबी है, तो उनके जब हम नाम रखते हैं तो किस तरह रखें, उनका जो टाइम होता है और जो सारी जो नहीं बताबर. देखो, बहुत आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है. बिफोर मैरिज लड़की या लड़के का नाम जाहिर है कि वो तो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को मैच करके रखा जाएगा. बेबीज का जब आप नाम रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, ये बहुत कम लोगों के जहन में रहती है कि जो हस्बैंड वाइफ का नंबर मिक्स होने के बाद बनता है, उस नंबर से बैलेंस नेम का डिजिट होना चाहिए नेक्स्ट बेबी का. बिफोर मैरिज या शादी से पहले बॉय या गर्ल को भी हम नेम रखेंगे ना, अगर ठीक है कपल से पहले होगा, वो तो होगा उसकी डेस्टिनी से लिंक वाला, कि जो बर्थ नंबर है आपको उसकी अहमियत है. लेकिन न्यू बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग है कि फादर और मदर नेम इन दोनों से मिलने के बाद जो डेस्टिनी नंबर एक सिंगल बन जाएगा, उस नंबर की इम्पोर्टेंस है, उस नंबर से मैचिंग का नेम नेक्स्ट बेबी का होना चाहिए. बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हाँ, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे. अभी हमारे पास कॉल है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मारुख बात कर रही हूँ. मारुख, आप अपना फुल नेम बताएं. मारुख सलीम. मारुख सलीम, अच्छा. मारुख, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी 7 अप्रैल को शादी हो रही है दानिश के नाम से, ना? जी, आपकी आवाज बहुत प्लीज थोड़ा लाउड बोले. अच्छा, मैं कह रही हूँ मेरी 7 अप्रैल को शादी है. 7 अप्रैल को, अच्छा, शादी हो रही है. उनका नाम दानिश है. अच्छा, दानिश राणा. अच्छा, फुल नेम क्या है? दानिश राणा. दानिश, मुबारकबाद तो दें को. जी मुबारक हो वैसे आपको मारुख. थैंक यू सो मच. तो मैं कह रही थी कैसा रहेगा हम लोगों का फ्यूचर, कैसा रहेगा? अच्छा सही है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं. मारुख, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग. ठीक है, हम इससे पहले मरियम इमरान ने हमें कॉल की थी, मैंने आपको क्या बात की थी कि उनके लिए 217 बहुत बैलेंस और एवरेज, जो मोनोग्राम नंबर हम फर्स्ट लेटर पे बात कर रहे थे, और ये मारुख हैं. जी, तो रिजेंबल हो गई, कंफर्मेशन हो गई 217 के भी हवाले से. अच्छा, और जो इनके हस्बैंड होने वाले का नाम है जो दानिश है, जी, वो उनका कंपाउंड नंबर भी 4 है, इनका कंपाउंड नंबर भी 4 है. 217, 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 7 प्लस इक्वल टू 10, 0 हटाएंगे 1 होगा. अच्छा, 1, 4 और 9. बेहतरीन, अच्छी हम आहंगी है, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के डिजिट्स होते हैं. इत्तेफाक ये है कि डेस्टिनी के हवाले से जो हम कपल नंबर पे भी बात कर रहे थे, वो अभी कंफर्मेशन अभी आ गई हमें कि कपल नंबर बैलेंस डिजिट हो गया इनके भी नाम से. मारुख और सलीम, इन्होंने अपना इंडिविजुअल नेम बताया था, ये दोनों नंबर भी 4 और 9 के लिए बैलेंस हैं.
फोर और नाइन दोनों बैलेंस है डिजिट वन के लिए. 2017 टू प्लस सिफर प्लस वन प्लस सेवन प्लस इक्वल टू टेन सिफर हटाएंगे वन वो भी वन हो जाएगा. तो ये बहुत बैलेंस हो गया है, कंफर्म कर दिया उन्होंने. अच्छा, तुम्हारे आपके लिए फिर बहुत ही इट्स गोना बी एक और बार मुबारकबाद. हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. अच्छा सही, तो हम बात कर रहे थे वो जो अभी हमने बात कंटिन्यू करनी थी. जी जी, तो उसके बारे में जिस तरह के बर्थ नेम्स होते हैं, जिस तरह हम बच्चों के नाम रख देते हैं, लेकिन जो हेल्थ पे आपके नाम अफेक्ट करते हैं, फिर कुछ लोगों को चेंज भी नाम करना पड़ता है. पता है क्या कि बच्चों की तबीयत खराब होती, मतलब इस तरह के केसेस बहुत होते हैं. यकीन कीजिएगा कि अक्सर ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में जाना हुआ और उसका बच्चे का नाम पूछा, बीबी का नाम पूछा. आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी जब ही तो असर करेगा कि आपके डेस्टिनी में वो बात तो मौजूद हो. इम्यून सिस्टम को आप उसको बैलेंस तो रख सको. आप कोई मेडिकेशन कर रहे हो, टेबलेट्स ले रहे हो, तो टेबलेट्स भी इम्यून सिस्टम में अफेक्टेड जब होंगे ना, कि जब वो डिजिट अदद नंबर तो आपका रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन वाला हो. दिस इज द मेन थिंग जो हम अभी बैक और बख्तावर ये वाली बात हम कर रहे थे. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो कपल नंबर होता है मिसेज और हस्बैंड का, उस नंबर से बैलेंस बच्चे का नेम होना चाहिए. और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा अहम बात इल्मुल आदाब की और इंफॉर्मेटिव पॉइंट ये होता है कि मोनोग्राम नंबर जो फर्स्ट लेटर होता है आपका, वो बहुत बैलेंस और प्रोटेक्टिव होना चाहिए. लेकिन तकलीफ का आना, बीमार होना आम सी बात है, लेकिन आप में रेस्टोरेशन प्रोटेक्शन का मार्जिन कितना है, मेडिसिन कितना असर कर सकती है आप पर, आप तकलीफ के बाद कब ठीक हो सकते हो. सही, इम्पोर्टेंट सही. हमारे पास कॉल है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं नाजिया खालिद बात कर रही हूँ. नाजिया कौन? नाजिया खालिद. नाजिया खालिद जी, नाजिया खालिद आपका क्या क्वेश्चन है? मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और उसके बाद लाइफ कैसी गुजरेगी. अच्छा नाजिया खालिद, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें प्लीज. 14 सितंबर जी 1987. सही, 1987. नाम पूरा क्या है? नाम नाजिया खालिद. नाजिया खालिद खालिद, ठीक, ये लिखा है. ठीक है, तो इनका क्वेश्चन ये है कि इनकी शादी कब होगी और कैसी रहेगी. और ये वो नंबर होता है गर्ल्स में, लड़कियों में, कि जो आफ्टर मैरिज उनको लव की सूरत में अच्छा जीवन साथी मिलता है. शादी से पहले लव जो प्यार कम मिल रहा होता है, वो सारा प्यार एक साथ मिलता है शोहर की सूरत में, और उसके बाद जो बेबीज मिलते हैं वो प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है. कहा यह जा सकता है कि आफ्टर मैरिज अच्छा कामयाब शादी नंबर है उससे पहले की जिंदगी में. इनके लिए मंगल का दिन ठीक है. अच्छा। और शादी जरा सी लेट है इनकी, अभी तो नहीं कह सकते कि 217 में, लेकिन इतनी ज्यादा भी लेट नहीं है. कलर्स में ये कि ये ग्रीन कलर इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है इनके लिए. और सपोर्टिंग अल्फाबेट्स के है इनके लिए, और एन है और जेड है. अच्छा। स्टार्टिंग लेटर जो हम मोनोग्राम नंबर की बात कर रहे हैं. अच्छा, जो पार्टनर का नंबर होना. जी जी, ओके. ऑलराइट, हमारे पास कॉल है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं अरीशा. अरीशा नहीं. हाँ अरीशा, आपसे मेरी बात हुई थी ना कल. हाँ जी. कैसी हो अरीशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ. अरीशा, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दैट आई वांट टू बी अ राइटर. हाँ, राइटर. मुझे पूछना है कि आगे जाके क्या विल आई बी सक्सेसफुल अपने मेरे करियर में, मेरा कुछ ऐसा बनेगा. अच्छा अरीशा, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी. 14th July. 14th July. 2001. अच्छा, इनका क्वेश्चन ये कि इनको राइटर बनना है, ठीक है, तो ये बन सकेंगी और कितनी सक्सेसफुल होंगी? अभी ये 16 ईयर के करीब करीब हैं आगे पीछे. 19 ईयर्स के बाद वाली लाइफ में इनके लिए रिटर्न वर्क में कामयाबी के अच्छे डिजिट्स बनते हैं डेस्टिनी में. 2-2.5 साल इनको पर्सनली और एफर्ट्स थोड़ी सी करनी है, या पॉलिश करना है, या अपने आप को थोड़ा सा और मजीद उसमें बेहतरी लानी है. लेकिन 19 साल के बाद इनको ये वाले रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो इन्होंने पूछा है. फ्राइडे का दिन अच्छा है इनके लिए, ब्लू कलर ठीक है, पिंक भी इनके लिए बहुत अच्छा है. अच्छा. और लव अरेंज शादी वाला डिजिट बनता है, यानी ऐसा प्यार, अक्लमंद लड़की के उस प्यार को अरेंज में चेंज कन्वर्ट करके और फिर वो उनसे लव करें. अच्छा. यानी प्यार को मजबूरी बना दें अरेंज करने में और उसके बाद शादी हो, तो ये प्लस पॉइंट है, ये अच्छी बात है. ये फैमिली वैल्यूज का बहुत लिहाज रखती हैं, ये बहुत अच्छी बात है. और ये इस तरह की गर्ल्स का नंबर है कि इस तरह की गर्ल्स को माँ की या पेरेंट्स की दुआएं बहुत मिलती हैं. जी, तो ये प्लस पॉइंट है इनका, अच्छी बात है. सही, तो आप जिस तरह भी बताएंगे इनके लिए कलर ये लकी है और दिन होता है, तो हम जिस तरह के आपके पास ऑब्वियसली लोग भी आते होंगे, पूछते होंगे कि हमारे लिए क्या, कौन सा करियर अच्छा होना चाहिए,
तो आप ये किस तरह फिर उनको सजेस्ट करते हैं? देखो बख्तावर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका नाम खुद वो ठीक है या हाँ। नहीं ठीक है तो उसमें से नाम खराब नहीं होता, आपके डेस्टिनी नंबर से वो बैलेंस है या नहीं है, आप खुद अपने लिए ठीक है या नहीं, एक तो ये हो गया। ठीक अच्छा ठीक नहीं है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, खो गया एक नशेमन तो क्या गम, जमीन और भी आसमान और भी है। फिर आप ऐसा एनवायरनमेंट अपने करीब कर लें, कलर्स को, डेज को, टाइम को, लोग हाँ। को, अल्फाबेट्स को, तमाम चीज़ों के, कि वो मुश्किल और कठिन टाइम आपका कम से कम हो सके या काबिल कंट्रोल हो, ऐसी तकलीफ आए जो आप कंट्रोल कर सको, आप रेस्टोर हो सको, प्रिवेंशन हो आपके नाम में, तो न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है काफ़ी इन बातों में। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रहा है? मैं लाइबा बात कर रही हूँ। लाइबा कैसी हो? मैं ठीक। अच्छा लाइबा, अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले बता दो। मेरी है 10 अक्टूबर 10th अक्टूबर जी। और ईयर 1998। अच्छा लाइबा, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, खुशी आएगी? थोड़ा लाउड कर देंगे प्लीज, आवाज यहाँ बहुत कम आ रही है जी। मैं कह रही हूँ मेरी लाइफ में आगे क्या होगा? लाइफ में आगे क्या होगा? इंग्लिश फील्ड। अच्छा किस आप एस्पेक्ट में बोल रही हो, कि कौन सी एरिया में क्या होगा लाइफ में आगे, थोड़ा डिस्क्राइब करो क्वेश्चन। आगे मेरे साथ क्या होगा आगे, मतलब शो के बाद कॉल कर लें, मेरे ख्याल कुछ और पूछना चाह रही। अच्छा आप क्या लाइवा, आप क्या पूछना चाह रही हो? वैसे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन आपका। मैं वैसे ही पूछना, मतलब आगे लाइफ में क्या बनोगी या शादी के रिलेटेड या क्या? बहुत लंबा सवाल है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आगे मेरी लाइफ में खुशी आएंगी, गम आएंगे, क्या आएगा? अच्छा आप अगर खुश रहोगी या अपसेट रहोगी, क्या मेरे लिए बेस्ट है और क्या नहीं? अच्छा एक ही आंसर कर सकते हैं मुस्तफा, एक ही आंसर? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सही, थैंक यू फॉर कॉलिंग। नाम शुरू, अच्छा हम ब्रेक के बाद हमें देना पड़ेगा। इट्स ओके, फॉर नाउ वी आर गोना हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, गाइस डू नॉट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग अस फॉर ब्रेक। Welcome back from the break, guys. You are watching Girls Republic today. We've got numerologists on the show with us. और अगर आपको कोई भी question करना है तो आप हमें call करके question पूछ सकते हैं. अगर call नहीं मिल रही, please leave your message on my Facebook page, which is Becks Khan. और जो है आपको पता है कि जिस तरह आप लोग call करके हमसे questions पूछ रहे हैं, please make sure that your question is to the point, because we don't want to get confused and we don't want to give you any wrong answer or anything. क्योंकि अगर हमें confusion होगी, आपका to the point अगर हमें question पता होगा, so we are going to be easily, you know, replying you back to your question. लेकिन anyways, हमारे जो अभी हमने जो आई थिंक क्या नाम था उनका, लाइबा, लाइबा का हमने जो ड्यू रह गया था, हमें उनका भी हम आंसर बताएंगे। स्पिरिचुअल नेम, स्पिरिचुअल डिजिट बनता है, स्पिरिचुअल डेस्टिनी बनती है, इसको थोड़ा एलाबोरेट करेंगे क्योंकि होता है। मैं बिल्कुल बता देता हूँ उसको, कि रूहानी नंबर इनका बनता है, रूहानियत से ज्यादा अटैचमेंट वाली बात बनती है, क्योंकि ये एक लड़की है, स्पिरिचुअल चीज तो नहीं है, जैसे असलात होती है नमाज वो रूहानी, अल कुरान वो तो रूहानी है, इसलिए अपने नाम में कोई चीज इजाफा कर लें तो इनका जो सवाल था, इनके जो पॉइंट्स है, तो उसमें इनको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अपने नाम में इजाफा कर लें किसी और हरूफ का या किसी और नेम का, या अपने सर नेम का या फादर नेम का, तो ये चीज काफी बैलेंस हो सकती है। संडे का दिन ठीक है इनके लिए। अच्छा तो इनका ये क्वेश्चन था ना कि मैं क्या आगे, यार हैवी डिजिट है इसका, हैवी है, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी नेगेटिव है? नहीं सॉरी, नेगेटिव नहीं होता, स्पिरिचुअल डिजिट है इंसान, हम तो इंसान है ना, हम स्पिरिचुअल, वी आर लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म, हम तो जानदार हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए इनकी एज 19 साल की, मैच्योरिटी में भी कमी, मैच्योरिटी आएगी 24-25-26 के बाद, अपने नाम में इजाफा कर लेंगे तो जो भारीपन महसूस होता है जो लहजे में भी था, उसमें काफी आसानी इनको हो सकती है। ओके हमारे पास कॉल है, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मैं परवा बात कर रही हूँ। परवा कहाँ से कॉल किया आपने? सियालकोट से बात कर रही हूँ। अच्छा फरवा, आप अपनी फुल डेट ऑफ बर्थ बताएं और फुल नेम बताएं। अनम अवान जी, अनम अवान, सिस्टर का, मेरी सिस्टर। अच्छा, का अच्छा, आपने अपनी बहन का पूछना है, अनम अवान। अनम अवान हाँ जी, और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1990 जी। okay. सही। अच्छा इसका ये पूछना की शादी कब होगी और हमारी लाइफ कैसी होगी? क्या होगी, शादी कब होगी? कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी? अच्छा ठीक है, हम आपको ऑनर जवाब देते हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। 27 इयर्स के करीब हैं अप्रोक्सीमेटली, 27-28 इस तरह की हैं। 30 आफ्टर 30, 30 साल के बाद अगर ये शादी वाले इसको
चैप्टर का स्टार्ट लेती हैं रिश्ते के हवाले से, मैरिज के हवाले से, तो इंशाल्लाह इनके रिजल्ट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, अरेंज है, और शादी के बाद कोई बैड न्यूज़ नज़र आती नहीं है इनके नाम मदद नंबर में, बैलेंस नंबर है, डेस्टिनी भी ठीक है, शादी से थोड़ा सा दूर है अभी नंबर, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन 27 साल के करीब है, 30 के करीब करती हैं तो इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जुमेरात का दिन ठीक है इनके लिए, व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, डिजिट 6 इनके लिए, इनको सपोर्ट अच्छा, करता इनके लिए अच्छा है इनके लिए अच्छा। लेकिन बस्तावर के लिए अच्छा नहीं, मुझे कहते हैं व्हाइट कलर अच्छा, पता हमें भी बना हुआ है आगे सही है, मेरा सेट भी तो व्हाइट है। आज के दिन के हवाले से ठीक है ना, आज के दिन आज ठीक है, बस इट्स ओके, आज थर्सडे वैसे भी लास्ट डे है, इट्स ओके। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम अपने शो पे जो है सरप्राइजेस मोस्टली हम नहीं रखते हैं, लेकिन अभी हम अभी आपको सरप्राइज नहीं देंगे, हम वो लास्ट थिंग में देंगे, फॉर नाउ वी हैव अ कॉल। हेलो 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 हाय, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर नवीन बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी डॉक्टर नवीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। मैंने मुस्तफा साहब से क्वेश्चन करना था, काइंडली बात हो सकती है? जी 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 बात कीजिएगा जी। मैं एक्चुअली विडो हूँ एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ डॉक्टर, तो मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और अब आगे के लिए मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे चलेगा, क्योंकि मैं जो जॉब कर रही हूँ या जो भी उस तरह से मैं बच्चों को लेकर बहुत मुश्किल से चल रही हूँ। ठीक है, तो मुझे जरा काइंडली बताइएगा, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, 11th मार्च है 1965। अपना फुल नेम बताइएगा। नवीन यूसुफ मेरा पूरा नाम है और हस्बैंड के नाम के साथ नवीन सुहेल मैं यूज करती हूँ। ठीक है, इस वक्त आप नौरीन यूसुफ हैं? उनकी डेथ हो गई थी 5 साल पहले। बताओ पूछो, इस वक्त नौरीन यूसुफ हैं ये? इस वक्त ये नौरीन यूसुफ हैं आप? नौरीन नहीं, नौवीन, 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 समझ नहीं आई, NOVE, अच्छा NOVEEN, नौवीन यही लिखा है, यही लिखा है, सही तो आप बात कर रहे थे। जी जी जी, अब सवाल क्या है आपका? मैं पूछना ये चाह रही थी कि इस वक्त मैं ना बड़ी क्राइसिस से गुजर रही हूँ। ठीक है, आई हैव गॉट 3 किड्स, मेरे 3 बच्चे हैं जी आपने बताया, और विडो हूँ और सिंगल जॉब है मेरे पास एज अ डॉक्टर। तो मैं आगे पूछना ये चाह रही थी कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्योंकि मैं इन बच्चों की जो है परवरिश और ये सारा कुछ इसको लेकर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि आगे कैसे चलेगा, क्या होना है। ठीक, तो काइंडली मुझे बताइएगा कुछ आपकी नज़र में ऐसी बात। बख्तावर एक काम करते हैं, इनको कहेंगे शो के बाद कॉल कर लें, बच्चों के पूरे फुल नेम बताएंगे डेट ऑफ बर्थ, ताकि प्रॉपरली जवाब दिया जाए। लाइफ इज वेरी सीरियस यार। अच्छा, पहले अपसेट से गुजर। अच्छा ठीक है नवीन, आप एक काम करें आप एक काम करें, इफ़ यू आर स्टिल ऑन द कॉल, या अगर कॉल नहीं है लेकिन आप सुन रही हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुस्तफ़ा को जो है उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं उस पर अगर आप कॉल करके सारी जो डिटेल अगर आप बात कर लें, तो इट्स गोना बी मच बेटर। बेबीज के पूरे नेम और अपने, हाँ, बच्चों के पूरे फुल नेम, बहुत सीरियस होती है यार, देखो एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली वी आर हियर टू हेल्प यू गाइस, तो अगर आप ये करें इनको शो के बाद अगर कॉल कर सकते हैं उस रात में भी मच बेटर। अभी हम ब्रेक ले जा रहे हैं। Okay guys, we're going to be going for a break. Do not really back here watching Girls Talk. Welcome back from the break guys. You are watching Girls Republic. और जो है आज हमारे साथ मुस्तफा शो पर हैं, और हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली हमारे साथ, तो हमारे न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड ही सारा शो चल रहा है। मोस्टली हमारे साथ ये होता है कि गेस्ट आते हैं तो हम उन्हीं के रिलेटेड कोई ऐसा हम टॉपिक ले आते हैं, लेकिन एनीवेज आज हम लाइव बैठे हैं, कॉल कर सकते हैं आप, अगर कॉल नहीं मिल रही अपना मैसेज मेरे पेज पर ड्रॉप कर सकते हैं, विच इज़ बेक्स खान। और जो है अभी आई थिंक नवीन ने कॉल की थी, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो है प्लीज़ मेक श्योर अगर आप अभी कॉल कर रहे हैं हमें, तो अपना जो है टू द पॉइंट क्वेश्चन करें, सो दैट्स गोना बी मच बेटर फॉर अस, कि अगर हम आपको ऑब्वियसली सही आंसर दे सकें, क्योंकि होता है ना कि अगर गलत कोई उन्होंने कोई ट्विस्टेड वे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया और कन्फ्यूजिंग हो गया, सो इट्स गोना बी अ लाइक अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अस एनीवेज। अच्छा नवीन की हम बात करें लेकिन इस कॉल के बाद। हेलो, अच्छा जी कॉल ड्रॉप हो गई है। हम नवीन की बात कर रहे थे, हमने कहा था कि आप इनको मुस्तफा को कॉल कर सकते हैं आफ्टर शो, क्योंकि ऑब्वियसली होता है कि उनको डिटेल में आंसर चाहिए, लेकिन हम कर ले इसी शो में कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीक भी हमारे साथ होंगे, थर्सडे के थर्सडे हमारे साथ मुस्तफा शो पर होंगे, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यार ऐसा इसके नाम मदद नंबर में मैरिज ना होने वाली बात, ये तो पॉजिटिव है कि बच्चों के हवाले से सेक्रीफाइस दे रही हैं, वेरी अप्रिशिएटिव, ये एक अच्छी बात है। इनके नेम के हवाले से ये कोई भी
खाने से मुतालिक रेस्टोरेंट या फूड से मुतालिक कोई काम करती हैं तो सोर्स ऑफ इनकम एज अ पार्टनरशिप तो मेरे ख्याल पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं. देखो मैंने पहले भी ये कहा था कि बेबीज़ के फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ बता देती तो हम इनको सही जवाब देने की पोजिशन में होते. जितना जवाब बन सका जो बात सामने आई वो यही आई कि फाइनेंस में फूड से मुतालिक रेस्टोरेंट से मुतालिक या खाने पीने से मुतालिक कोई भी काम छोटे पैमाने पर ही एज अ पार्टनरशिप किया जा सकता है. अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं 217, 18 इस तरह करके बस जो इन्होंने नाम बताया उसकी डिटेल ओके. माय बेस्ट कॉल है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? रहीला खालिद बात कर रही हूँ. कौन बात कर रही है? रहीला खालिद. राहिला खालिद जी. अच्छा ठीक है राहिला, ये बताएं कि आपने क्या क्वेश्चन पूछना है, किसके लिए पूछना है? मैंने ये क्वेश्चन पूछना है कि लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज, अच्छा शादी कब तक होगी? अच्छा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें. 14 सितंबर 14 सितंबर 1994. सही है. ठीक है ठीक है, हम आपको ऑनर जवाब देते हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग. अच्छा इनका क्वेश्चन ये कि इनकी शादी कब होगी? मैं इनका डेस्टिनी नंबर, इनका डेस्टिनी नंबर के लव मैरिज में कामयाबी का बनता है और इन्होंने लव वाली ही शादी करनी है. इनकी डेस्टिनी में तो ये बात मौजूद है. ठीक है पॉजिटिव है, कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि वैल्यूज़ का लिहाज रखती हैं. कंपाउंड नंबर इनका आ रहा है शुरू में तो रख रखाव वैल्यूज़ अखलाकियात इन बातों का लिहाज रखती हैं. ये एक अच्छी बात है. जुमेरात का दिन इनके लिए बेस्ट बेहतर है. डिजिट 6 इनके लिए काफ़ी सपोर्ट वाला है. वाइट कलर, सफ़ेद या पिंक, ये दो रंग इनके लिए अच्छे हो सकते हैं. ब्लैक कलर को कम कर दें इस्तेमाल में. लव मैरिज के इम्कान ज़्यादा हैं, यानी ऐसा ही होना है या लव हो जाना है मैरिज से पहले, इंगेजमेंट के बाद ये भी पॉसिबल है. इस तरह अच्छा नंबर. अच्छा तो इनके लिए ओवरऑल ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर, बहुत पॉजिटिव इशू नहीं है कोई ऐसा. होता है ना कि समटाइम्स अब जिस तरह कि हम इस तरह पूछ रहे होते हैं कि हमें क्यूरियोसिटी होती है कि क्या आगे फ्यूचर में क्या होगा करियर वाइज, लेकिन इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगी आफ्टर दिस कॉल. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? राफिया. राफिया कहाँ से कॉल की है? कराची. राफिया फुल नेम बताना है प्लीज. राफिया सिद्दीकी. राफिया सिद्दीकी. सिद्दीकी. अच्छा राफिया आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी रिलेटिव में होगी या बाहर होगी कहीं? सही है क्वेश्चन. आप समझ आया आपको? आ गया आपने मुझे आप, अच्छा मैं फिर से प्लीज रिपीट करना क्वेश्चन. और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी रिलेटिव में होगी या कहीं आउट होगी, मतलब रिलेटिव से बाहर होगी, अपनों में या गैरों में? अच्छा तो राफिया आप डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई ना. 11 अगस्त 2001. जी 11 अगस्त 2001. अच्छा भी ज़्यादा जल्दी है. अच्छा कॉल पर है हमारे साथ जी. अच्छा राफिया ये बताओ क्या करती हो वैसे, क्या आप पढ़ रही हो आजकल? जी मैट्रिक में हूँ मैं. अच्छा ठीक है तो सही है. तो अभी आप कोई प्लान है आपका शादी करने का? नहीं अभी नहीं है, बस वो होता है ना कि पता चल जाए किसी तरह. अच्छा जी सही ठीक है राफिया, हम ऑन एयर आपको जवाब देते हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग. जी अभी आप इसका सारा इन्हें तो हमसे भी ज़्यादा जल्दी है बाद में. अच्छा अच्छा भाई इंटरेस्टिंग बात ये है, इनके नाम अदद नंबर में इतफाक है, डेस्टिनी नंबर जो है वो पॉजिटिव है. यार इतफाक है कि आज के जितने भी कॉल्स आई हैं अक्सर डेस्टिनी नंबर पॉजिटिव है, 217 के भी हवाले से और मैरिज के भी हवाले से. और इस जो सिद्दीकी नाम है ना इनका, राफिया को वो काफ़ी प्रोटेक्ट और प्रिवेंट कर रहा है, पॉजिटिव है. शादी फिलहाल तो ज़रा लेट है, अभी तो नहीं दिखाई देती. रिलेटिव में इम्कान कम हैं, आउट ऑफ फैमिली में इम्कान ज्यादा हैं, मे बी के आउट ऑफ पाकिस्तान. सही है. अच्छा चलें ठीक है, ये तो हमारा आज के लिए इतना ही होगा. अभी मैं जो आप लोगों को सरप्राइज का बता रही थी कि हमने जो है ऑब्वियसली होता है हमारे जो गेस्ट आते हैं नॉर्मली हम ये करते नहीं, लेकिन आज जो है वी थॉट कि हमें क्यों ना इनके जो मुस्तफ़ा के जो बच्चे हैं उनकी बर्थडे है, तीन बच्चे हैं विच इज जो पहला नाम था मौज़म और दूसरा मोसब राइट और मैविश, तीनों को हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, हमारी ARY की टीम की तरफ से. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू गॉयज. और जो अभी हमें आई एम श्योर आप देख रहे हैं तीनों बैठे हुए, मैविश मोजम और जो है जो मोसब राइट, ये तीसरा जो नेम है ना खैर एम से स्टार्ट है, ये जो हम न्यूरोलॉजी कर रहे हैं इनका भी नाम एम से और जो बच्चों का नाम है वो भी एम से. चलें अब ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए हमें, अब आई थिंक केक बुलाना चाहिए और सब आ जाए हमारी जो टीम है शो पे यहाँ टेबल पे रख दें. सब कट करिए आप कट करिए. चल सब आए, सब हाँ, सब आ सब आए, सब आ जाए. चलें आइए जी. चले तो हम यहीं से आई थिंक वाइंड अप करेंगे शो. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू.
A very happy birthday to Mosam Mosam Mehwish Anam Bari. Thank you. It's like really mouth watering. I think I'm abhi wind up kar rahe. Wind up kar rahe nahi kar rahe. Acha ji, thank you so much. Aap show pe aur hamari team yahan par jo hai, I'm very much grateful for everyone. Aur yahan pe jo do baithe hain aur mere jo control room hai, I really wanted them to be on here. Lekin wo pata nahi kahan bhi hain, aaye nahi. Acha, I think hum abhi show band kar rahe hain. Band kar rahe matlab. अच्छा सही, थैंक यू सो मच गाइस. आप आज अब हमें आप लोगों ने कॉल की और सारे जो आपके क्वेश्चन थे, लेकिन इस केक को तो मैं खाऊंगी. मुझे आई एम रियली एक्चुअली हंग्री, सो आई एम गोना मंच ऑन दैट. बट थैंक यू सो मच आप सब. गाइस फॉर नाउ वी आर गोना बी साइन ऑफ. यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू लेटर. बाय बाय.